अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ज़ीरो कंप्यूटर नॉलेज वाले क्या करें, ये सवाल मतवातिर आ रहा है कि जी हमारा कंप्यूटर साइंस के शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप हमेशा बात करते हैं डेटा साइंस की, एआई की, ब्लॉकचेन की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो कंप्यूटर साइंस से कोई वास्ता नहीं, हम कहाँ से शुरू करें। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप इस बात से शुरू करेंगे तो आगे जाके कंप्यूटर साइंस की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। इसके लिए फ़ायदा ये है कि इसके लिए ना आपने बैचलर्स करना है, ना मास्टर्स करना है, ना पीएचडी करना है, ना किसी को स्कूल की फ़ीस देनी है, ना कोई कोर्स करना है। बहुत सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमने गुफ्तगु पब्लिकेशंस में उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ किताबें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर मदारिस के बच्चे हैं, पाकिस्तान में 70 लाख से ऊपर बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने किताबें लिखी हैं, तो वो किताबें आप पढ़ लीजिए। पहली किताब जो आप पढ़ेंगे वो होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसूल और टेक्निक, जिल्द 1, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसूल और टेक्निक जिल्द 2। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस क्या होता है, किसे कहते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सीरो कोड क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो अगली दो किताबें आप पढ़ेंगे वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पार्ट 1, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पार्ट 2। इन दो किताबों को आप अगर पढ़ते हैं तो इससे आपको कंप्यूटर साइंस के तमाम एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। ये चार किताबें पढ़ के बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में पहले साल के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सबका सब आ जाएगा। और चार किताबें आप 4 दिन में पढ़ लेंगे, 4 दिन में नहीं पढ़ लेंगे, 8 दिन में पढ़ लेंगे, 12 दिन में पढ़ लेंगे, 2 हफ्ते से ज़्यादा की है नहीं, 2 हफ्ते की मारे आप 2 हफ्ते में सारी किताबें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप फील्ड का तयन करें। अगर आपने डेटा विजुअलाइजेशन में जाना है तो मैं डेटा विजुअलाइजेशन की Power BI की टेबलो की किताब पढ़ लीजिए। आपने डेटा साइंस में जाना है तो हमारी पाइथन की, डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की किताब पढ़ लीजिए। आपने AI में जाना है तो आप पाइथन की, AI की, C++ की, R की किताब पढ़ लीजिए। आपने ब्लॉकचेन में जाना है तो हमारी ब्लॉकचेन की किताब है, अभी हमारी नई किताब आ रही है Web 3.0 के अंदर, अगले हफ्ते आ रही है, और सोलिडिटी प्रोग्रामिंग की आ रही है, ये दोनों अगले हफ्ते किताबें आ जाएंगी, आप ये पढ़ लीजिए, आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपने किसी और फील्ड के अंदर जाना है वो आपको सारी किताबें मिल जाएंगी, और हम कोशिश करके सारी की सारी लिख रहे हैं। आपको कुछ नहीं आता, आपको फ्रीलांसिंग में जाना है, हमारी किताबें, ये किताबें पहले 4 पढ़ें, फिर पढ़ें इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं Part 1, इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं ChatGPT के साथ Part 2, ये किताबें पढ़ लीजिए, आप फ्रीलांस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो भी 20-22 तरीके हैं जिससे लोग पाकिस्तान में घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, सब के सब तफसील से लिख दिए हैं। यहाँ तक लिख दिया है कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर जाने के, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर करना है। खुसूसी तौर पे वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, जो मदारिस से पढ़े हुए हैं, उनके लिए इससे अच्छा निसाब मुमकिन नहीं है। इस सारी कहानी 6 महीने से साल भर की है। आप रोज़ के 2 से 4 घंटे दें, 6 महीने से साल भर के अंदर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करके आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। हमने भी कमाए हैं, बाकी बहुत सारे बच्चों ने कमाए। आप पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर इससे इंशाल्लाह इफाका होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आपका ज़ीशान उस्मानी।